आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आप, आज हम बात करने वाले हैं विंस्टन चर्चिल की। आज हम इनकी बायोग्राफी देखेंगे। वर्ल्ड वॉर टू के सारे लीडर्स की मैंने ऑलरेडी बायोग्राफी कवर की हुई है, चाहे वो माओ हो, स्टालिन हो, हिटलर की तो ऑलरेडी मैंने सबसे पहले उसको कवर की थी, और अब विंस्टन चर्चिल, बेनिटो मसोलिनी की ऑलरेडी मेरे पिछला लेक्चर पे उन पे आ चुका है, तो आप जरूर देखिएगा। और ये फाइनल है, विंस्टन चर्चिल के बारे में जानेंगे। दो पार्ट में लेक्चर होगा, पार्ट वन पार्ट टू। बहुत बड़े अपने आप को वॉर जनरल कहते थे कि भैया वर्ल्ड वॉर वन में, सॉरी वर्ल्ड वॉर टू में जब हिटलर ने सब कुछ कंकर कर लिया था तो भैया अकेले इंग्लैंड खड़े हुए थे और उनके सामने विंस्टन चर्चिल खड़े हुए थे। उनकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू में इंग्लैंड विजयी हुआ था, एक तरह से कह सकते हैं। काफी श्रेय उनको दिया जाता है, वहीं से इनका नाम इतिहास में है अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो। वही एक ऐसा रीजन था जिसकी वजह से विंस्टन चर्चिल का काफी नाम हुआ, लेकिन एक्चुअली में ये हिटलर से कम नहीं थे। बहुत ही ज्यादा एक खराब इंसान है ये, इनसे सहानुभूति बिल्कुल मत रखिएगा। भारत में जो 1943 का बंगाल फेमाइन आया था उसके लिए ये पूरी की पूरी तरह जिम्मेदार हैं। 43 लोगों ने जान अपनी गवा दी थी। आप फोटो देखेंगे आप विचलित हो जाएंगे, आप एकदम रूह रूह कांप जाएगी आपकी कि ऐसा भी कुकृत्य कोई इंसान कर सकता है। और इनकी वजह से बंगाल फेमाइन हुए, लाखों लोगों की जाने गई थी। बहुत ज्यादा नफरत करते थे भारत से, बीस्टली पीपल विद बीस्टली नेशन बोला था। जब भारत को आजादी मिली थी सबसे ज्यादा दुखी यही हुए थे, और एशिया से तो बहुत ही ज्यादा नफरत थी। लेकिन खैर, बायोग्राफी फिर भी हम देखेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में इनकी वजह से इंग्लैंड जो था वो डटा रहा था जर्मनी के सामने। तो दो पार्ट में लेक्चर आएगा, पार्ट वन और पार्ट टू। इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो मेरे फेसबुक पेज से @education कनेक्ट पे आप पूछ सकते हैं। किसी भी चीज को लेके कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछिएगा। हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो इनका चाइल्डहुड देखेंगे। बहुत ही अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ था, और मैं हमेशा अपने लेक्चर में कहता हूं कि भैया नींव जो है ना वो बचपन से पढ़ती है। जो बच्चा सीखेगा शुरू में वही बड़े होकर उसको अप्लाई करेगा। बहुत ही ज्यादा अमीर परिवार के थे, गरीबी इन्होंने कभी देखी नहीं, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही लो रहते थे, काफी डिप्रेशन में रहते थे, और परिवार वालों से इनकी बिल्कुल भी बनती नहीं थी। ये हम सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद किस तरह से पॉलिटिकल राइजिंग हुई इनकी, पहले कंजर्वेटिव पार्टी, फिर लिबरल पार्टी, फिर कंजर्वेटिव पार्टी, तो ऐसे कूद कूदते फांदते रहे ये, और फिर फाइनली ये जब इंग्लैंड के लीडर बने, ब्रिटेन के लीडर बने, तो इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में जो साहस दिखाया उसकी भी हम बात करेंगे, और वर्ल्ड वॉर वन भी जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन में भी जो बैटल ऑफ डार्डेनल्स हुई थी जिसमें बहुत सारे सेना के लोग मारे गए थे, इनको जिम्मेदार ठहराया गया था और बहुत ही इनका क्रिटिसिज्म हुआ था। ये सारी चीजें भी हम देखेंगे, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू दोनों पैरेलली देखेंगे। उसके बाद फिर बाद के साल डेथ इनकी, और भैया इंडिया के टूवर्ड्स एटीट्यूड इनका क्या था ये जरूर आप सुनिएगा। बहुत ही अजीब इंसान थे ये, ठीक है, बहुत ही एकदम नफरत से भरे हुए, इंडिया के लिए तो ऐसे ही कहा जा सकता है। तो देखेंगे, एक चीज और बता दूं कि जब ये बंगाल फेमाइन आया था तब विंस्टन चर्चिल ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर मरते हैं तो मरने दो, जब रैबिट की तरह ब्रीड करेंगे, रैबिट की तरह पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो मरेंगे ही, अच्छा ही है पॉपुलेशन कम होगी, ऐसे तो थे ये, ठीक है। तो खैर अब हम वापस आते हैं, देखते हैं इनका चाइल्डहुड। विंस्टन चर्चिल का जो जन्म था वो 30 नवंबर 1874 में हुआ था, 1874 में पैदा हुए थे भैया। और आपको बताता हूं, ये इनका घर है, आप देख सकते हैं पैलेस, इनकी वैसे तो रॉयल फैमिली थी, इनके फोर फादर्स सब रॉयल थे, ठीक है, और पॉलिटिक्स में तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे। ब्लेनहम पैलेस में इनका जन्म हुआ था, ऑक्सफोर्ड शायर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। जब इनका जन्म हुआ था तो यूके एक बहुत बड़ी पावर था, ठीक है, 1857 के बाद इंडिया में तो भैया बहुत ही बड़ी पावर हो गया, इंडिया को तो पूरी की पूरी तरह उसने चपेट में ले लिया, कॉलोनाइज कर दिया, 62 कंट्रियों ने उससे इंडिपेंडेंस हासिल की है, ठीक है, बहुत पूरा का पूरा यूके का दबदबा था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद यही यूके का दबदबा कम हो गया, वर्ल्ड वॉर टू के बाद फिर अमेरिका और रशिया दो नए पावर सामने आए, और अब तो खैर चाइना भी बहुत तेजी से उभर रहा है। क्या आपको पता है पाकिस्तान, इंडिया, चाइना की इकोनॉमी का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन 1:8:40, यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमी वो पाकिस्तान से 8 गुना है और चाइना की इकोनॉमी इंडिया से 5 गुना है, ठीक है, तो 1:8:40, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। हालांकि मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि देख सकते हैं आप कि शुरू में क्या था और किस तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स और डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं इस समय,
ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ये इनकी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर थी भैया, ठीक है। फोर फादर्स जो थे इनके, वो तो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में तो एक्टिव थे ही, बल्कि ड्यूक भी रहे थे, सेवेंथ ड्यूक थे मेलबर्न के। क्या आप बता सकते हैं ड्यूक कौन थे और किसने इंट्रोड्यूस किया था, जरूर बताइएगा। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे। तो बेसिकली क्या था कि इनका पूरा परिवार ही पॉलिटिक्स में था, तो इनको तो पॉलिटिक्स में आना ही था। इनके जो पिताजी थे लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल, बहुत ही ज़्यादा ख़राब संबंध थे अपने पिता से और बेटे के, हालांकि इनकी जो मदर थी उनसे भी इनके बहुत ज़्यादा ख़राब संबंध थे। इनको बिल्कुल भी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता था, इनके पिताजी इनको फेलियर कहते थे। ये जब ग्रेजुएट होकर निकले थे बोलते थे अरे मेरा बेटा तो फेलियर है, हालांकि विंस्टन चर्चिल अपने पिताजी को एडमायर करते थे। तो इसीलिए मैंने टाइटल ब्रोकन चाइल्डहुड रखा, क्योंकि इनका चाइल्डहुड जो था वो बहुत ही ख़राब था। चलिए आगे देखते हैं। अब इनकी जो माताजी थी जेनी चर्चिल बेसिकली नाम था इनकी माताजी का, वो भी बहुत ज़्यादा अमीर थी भैया, जाहिर सी बात है अमीर लोग अमीरों से ही शादी करते हैं, ठीक है। अब देख ही लेते हैं क्या ज़बरदस्त पैलेस है, यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती होगी एक बात तो तय है, लेकिन उसके बाद भी विंस्टन चर्चिल ने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की, शुरुआत में बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे ये बचपन में, इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब था, इनका निकनेम लिटिल बुलडॉग था, ठीक है, और बहुत ही बैड वाइल्ड बिहेवियर था, मारपीट, दूसरों को डोमिनेट करना बहुत ही आम बात थी। टीचर्स इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, एक टीचर ने तो ये तक बोल दिया था कि ये दुनिया के सबसे मीनेस्ट चाइल्ड है, सबसे बेकार लड़का है ये, पुअर ग्रेड्स, ग्रेडिंग में बिल्कुल बेकार, ठीक है। जाहिर सी बात है ना, इतनी दौलत थी तो फिर क्या पढ़ना, पढ़ के करना क्या है ना, यही एकदम विंस्टन चर्चिल के हालात थे। और उधर इनके पिताजी ये सारी हरकतों को ऑब्जर्व तो कर ही रहे थे, ठीक है, हालांकि उनको फर्क इतना नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी, तो इसीलिए उन्होंने एक टाइम पे बोल दिया था मेरा चाइल्ड बिल्कुल ही फेलियर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो अब क्या होता है कि लेकिन विंस्टन चर्चिल को मिलिट्री का बड़ा शौक था, वो हमेशा से मिलिट्री में जाना चाहते थे, ठीक है। तो शुरू में तो काफी दिक्कतें हुई, स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उसके बाद उनको बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था। बोर्डिंग स्कूल जब गए तो वहां पे जो टाइम था ना, बहुत हालत खराब करने वाला था, एकदम टूट से गए थे, क्योंकि वहां पे देखिए उसमें क्या होता है कि वहां पे जो लड़के आते हैं वो भी इक्वली लेवल के आते हैं, तो आपकी कोई उल्टी सीधी हरकत है तो सहेगा नहीं, तो किसी से बात नहीं करते थे, काफी अलग थलग, तो काफी इनको तोड़ दिया था अंदर से और बहुत ही दिक्कत में रहने लगे थे। यहीं पे इन्होंने अपनी मदर को काफी लेटर्स लिखे थे, ठीक है, इन्होंने अपनी मदर्स को, अपने अपनी जो माता जी हैं इनको बहुत ज़्यादा लेटर्स लिखे थे, लेकिन इनकी मदर ने एक भी लेटर का रिप्लाई नहीं दिया था, और ये बहुत ही ज़्यादा इससे दुख हुए थे। काफ़ी उनको प्लीड किया था कि आप एक बार मुझसे बस आके मिल लीजिए, आपका प्यारा बेटा हूँ मैं, सिर्फ एक बार देख लीजिए, बहुत ही दुख में हूँ, लेकिन उनकी मदर पार्टी करने में बिजी थी और कभी भी उनसे मिलने नहीं आई, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा उनसे नफरत करने लगे, नहीं, अपने पेरेंट्स को काफ़ी एडमायर करते थे, काफ़ी एडोर करते थे विंस्टन चर्चिल, और स्पेशली अपने पिताजी के पद चिन्हों पे चलना चाहते थे और उन्हीं की तरह बनना चाहते थे, हालांकि पिताजी उनसे बिल्कुल खुश नहीं थे, ठीक है, और बहुत ही टेरिबल रिलेशनशिप था, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी। अब क्या होता है कि मिलिट्री जो रॉयल मिलिट्री एकेडमी है वहाँ पे इनको दाखिला चाहिए होता है, क्योंकि मिलिट्री शुरू से ही इनके जो ट्रेड्स होते हैं वो मिलिट्री वाले होते हैं, इसीलिए भैया इनको वॉर जनरल के तौर पे काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। जब ये मिलिट्री में आए ना तो इन्होंने एक्सेप्शनल स्किल्स दिखाए, इन्होंने प्लेन भी चलाना सीखा, तलवारबाजी भी सीखी और हॉर्स राइडिंग और लड़ना, और काफ़ी अच्छे लीडर्स साबित हुए, ये चीज़ तो थी, ठीक है। तीन अटेम्प्ट दिए रॉयल मिलिट्री एकेडमी में, लेकिन उसके बाद ही ये उसमें एडमिट हुए, और तीसरे अटेम्प्ट में जब इनको चांस मिला मिलिट्री एकेडमी में तो वहां पे इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंसान को अपने मन की मिल जाती है तो वहां पे ऑलरेडी एक अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। 1894 में फाइनली ये वहां से ग्रेजुएट होते हैं। तो ये चीजें थी। अब जैसा कि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उन्होंने अपने इमोशनल लेटर्स लिखे थे अपने मदर को, लेकिन एक बार उसका रिस्पॉन्स नहीं आया उनकी मदर से। फाइनली उनके पिताजी की डेथ हो जाती है, 21 साल के होते हैं महज, डेथ हो जाती है। बहुत ज़्यादा शॉक होता है ये उनके लिए, क्योंकि वो अपने पिताजी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और वहीं से फिर एक तरह से पॉलिटिकल करियर की भी विंस्टन चर्चिल की शुरुआत हो जाती है। देखिए ये जो रिलेशनशिप रहा है ना, ये इनका भी रहा खराब, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना खराब मतलब जो इनके पेरेंट्स हैं, इनका रिलेशनशिप रहा टेरेबल रिलेशनशिप था विंस्टन चर्चिल के और उनके पेरेंट्स के बीच में, एग्जैक्ट वैसे ही रिलेशनशिप विंस्टन चर्चिल और उनके बच्चों के बीच में भी था। लेटर ईयर्स में इनका पूरा परिवार जो था वो बिल्कुल टूट गया था,
टूटेगा ही भैया, कर्म, कर्म से कैसे भागोगे, इतने लोगों की अगर जान लोगे तो फिर तो होना ही है ना। तो ये सारी चीजें थी। अब भैया इन्होंने शुरू से ही वर्ल्ड ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, ठीक है, शुरू से वर्ल्ड ट्रैवल करते थे। क्यूबा में गए, वहां पे क्यूबा में उस समय ऑलरेडी वॉर चल रहा था, सूडान में भी यही हाल था, फिर उसके बाद इंडिया भी आए थे 1896 में। यहां पे इंडिया को क्या बोलते हैं, गॉडलेस लैंड ऑफ स्नॉब्स एंड बोर्स, बिल्कुल भी भारतीयों को पसंद नहीं करते थे, शुरू से ही इनका यही हाल रहा था, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो जैसा कि बताया कि एज अ मिलिट्री सर्विस ने इन्होंने बहुत ही जबरदस्त स्किल्स दिखाई थी और काफी छोटा सा करियर इन्होंने मिलिट्री में मतलब एंजॉय किया था, मिलिट्री में बिताया था, लेकिन जो करियर उन्होंने बिताया था ना, एक्सपीरियंस कमाल का इन्होंने गेन किया। और दूसरी बात, इनका एक नाम हो गया था वहां पे। ये मानते थे कि भैया या तो हीरोइक डेथ मिलनी चाहिए या तो फिर कुछ नहीं मिलना चाहिए, डेथ जो हो बिल्कुल एक वॉरियर वाली, और वो कहां मिलेगी, मिलिट्री सर्विस में ही मिलेगी, ठीक है। उस समय वॉर में भी था, जो ब्रिटेन था पूरा क्यूबा में, उसके बाद फिर सूडान में, तो यहाँ पे वॉर भी हो रहे थे, तो वहां पे भी इन्होंने बहुत ही अच्छी जबरदस्त तरीके से हैंडल किया चीजों को। और एडिटर भी बहुत ही जबरदस्त थे ये, ठीक है, इन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया, मिलिट्री रिपोर्ट्स लिखते थे, राइटर बन गए, राइटर और एल्कोहल और सिगार, ये इनके ट्रेडमार्क, बाद में तो सिगार इनका ट्रेडमार्क ही बन गया, इसके बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए। कभी भी अकेले होते थे लिखने लगते थे, शराब का इन्होंने सहारा लिया और सिगार तो था ही, तो ये चीज उन्होंने बहुत ज्यादा की। 1899 में क्या हुआ था, 1899 में चर्चिल ने फाइनली आर्मी छोड़ी और उसके बाद एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे काम करने लगे मॉर्निंग पोस्ट के लिए, जो कि एक वहां का डेली न्यूज़पेपर है, ठीक है। लेकिन जब बोर वॉर था साउथ अफ्रीका में, भैया बोर वॉर पता है कि नहीं, गांधी जी यहीं से उठ के आए थे, है ना, 1899 में मैंने माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, जो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, उसका रिव्यू किया हुआ है, तीन पार्ट में है, उसको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने उस ऑटोबायोग्राफी में चीज़ों को समझाया है, मैंने क्या महात्मा गांधी ने समझाया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। साउथ अफ्रीका की कंडीशन जो थी अफ्रीकन्स की, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, ब्लैक्स की वहाँ पे बिल्कुल उनको कोई राइट्स नहीं थे, कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, बहुत ही हालत ख़राब थी। उसी के खिलाफ महात्मा गांधी जी खड़े हुए, सत्याग्रह परफॉर्म किया, जो कि विंस्टन चर्चिल को बिल्कुल भाया नहीं। इंडिपेंडेंस या फिर जब फेमाइन हुआ था, इंडिपेंडेंस में तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था विंस्टन चर्चिल को, फेमाइन जब हुआ था तो जब इनको बहुत ज़्यादा इनके ऊपर आरोप लगने लगे थे, तो ये बोलते हैं गांधी जी को मर जाना चाहिए। बताइए ऐसी, मतलब एक पॉलिटिकल लीडर ऐसे ऐसे अगर बयान दे रहा है तब तो भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इनको साउथ अफ्रीका में प्रिजनर भी बोर्स ने रख लिया था पकड़ के, है ना, इनको बंदी भी बना लिया था, लेकिन वहां से एस्केप कर गए और 300 माइल्स तक चल के आए थे, जो कि एक हिस्ट्री है, और मतलब जो कि एक बहुत ही जबरदस्त एक हीरोइक काम है, और इसके लिए इनका नाम भी बहुत हुआ था और हेडलाइंस में भी ये आए थे, नाम हो गया था कि एक ऐसा लड़का है जो भैया इतना जबरदस्त उसने हीरोइक काम कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो अब चर्चिल को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आने लगा, उन्होंने बोला कि बेटर यही है कि अब एक जबरदस्त पॉलिटिकल करियर बनाया जाए और हिस्ट्री में अपना एक नाम किया जाए। इनके पिताजी तो थे ही, इनको भी जाना था, जीन्स में ही था इनके। तो भैया गए 1900 में, ये पार्लियामेंट के मेंबर बने, कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से बने ये, ठीक है, लिबरल पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, दो थी, उसकी तरफ से ये मेंबर बने और पार्लियामेंट के मेंबर बने। आपको पता ही है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, पहले का नाम होता है हाउस ऑफ कॉमंस, दूसरे का नाम होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। उसी के ही तर्ज पे हमारे यहाँ भी लोकसभा और राज्यसभा है ना, लोकसभा मतलब लोगों की सभा, राज्यसभा मतलब स्टेट्स, राज्यों की सभा, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसी के हिसाब से, खैर हम लोग ने तो ब्रिटिश मॉडल ही अडॉप्ट किया है अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें थी। तो 25 साल की उम्र में महज ये MP बने हैं, सिर्फ 25 साल की उम्र में। तो अब आप देख सकते हैं कि काफी छोटी सी उम्र में ये पॉलिटिक्स में आ गए थे, तो इनका करियर तो लंबा जाना ही था, ठीक है। और जिस हिसाब से इनके पिताजी थे वैसे ही इन्होंने बिल्कुल एक अपना तरीका अपनाया, सोशल रिफॉर्म्स की बात की, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में ही आया था, ब्रिटेन में ही आया था, यूनाइटेड किंगडम में। तो वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या आता है, इंडस्ट्री से जाहिर सी बात है कैपिटलिज्म भी आएगा, ठीक है, काफी लोग इसको भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये पूरा सोशल रिफॉर्म के हक में थे कि अगर कोई भी पॉलिसी हो तो वो सोसाइटी को ही ध्यान में रखते हुए बनाई जाए, ठीक है। तो 1901 में इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन में सीट ली और वहां से इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया, और बहुत ही जबरदस्त अच्छे ओरेटर थे, और इनकी स्पीच जो थी, जो इन्होंने पहली बार बोला था, उन्होंने काफी धमाल मचाया, ठीक है, उसमें काफी चीजें उन्होंने बोली थी।
अब क्या था कि आपको एक बात बताता हूं कि ब्रिटिश की नेवी नेवल फोर्सेस बड़ी कमाल की रही हैं, ठीक है। रॉयल नेवी नाम है भैया, रॉयल एयरफोर्स, हर चीज के आगे वो रॉयल लगाते हैं, अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझते हैं। अब का तो पता नहीं, लेकिन तब तो समझते ही थे अपने आप को कि सबसे सुपीरियर रेस है वाइट, ठीक है। तो ये रॉयल नेवी थी। तो अब क्या होता था कि कोई भी वहां पे फंडिंग होती थी, बेसिकली इनकी नेवीज को स्ट्रॉन्ग किया जाता था, क्योंकि उस समय ट्रेड भी जो था, देखिए प्लेन्स तो हुए नहीं थे इन्वेंट, तो ट्रेड कहां से होगा, यही इन्हीं पानी के रास्तों से ही तो होगा, पानी के जहाजों से ही होगा। तो इसलिए थोड़ा सा नेवी पे ज्यादा ध्यान भी दिया जाता था, है ना। ट्रेन का भी कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं था कि यूरोप से लेके एशिया में ट्रेन चला दी। अरे भैया, उनको चीजें हर इतने कंट्रीज को तो उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा था, तो उसको संभालने के लिए पानी के रास्ते की जरूरत भी थी, वाटरवेज की जरूरत थी, तो इसलिए उसमें ध्यान भी दिया जाता था। पूरी की पूरी तरह अपोज किया विंस्टन चर्चिल ने। उन्होंने कहा कि आर्मी फंडिंग को, क्योंकि उस समय यह प्रस्ताव पारित हो रहा था कि आर्मी फंडिंग को बढ़ाओ, उन्होंने बोला कि आर्मी फंडिंग को नहीं बढ़ाया जाए, जरा सा भी अगर बढ़ाएंगे तो नेवी में ही जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो चीजों को अपोज भी किया। उस समय काफी दंगे भी हुए थे, ठीक है, इंग्लैंड में काफी दंगे भी हुए थे, तो वहां पे भी गए जहां जहां पे ये रिकॉर्ड्स फैले थे, उन्होंने हैंडल की सिचुएशन को विंस्टन चर्चिल ने, और समझाया भी लोगों को, और सफल भी हुए। एक शुरू में तो एज अ पॉलिटिशियन वो काफी सफल रहे, बाद में चीजें वर्ल्ड वॉर वन के बाद चीजें बहुत ज्यादा लड़खड़ा गई। उसके बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म। ये वर्ड जो है आपने काफी सुना होगा। होता क्या है प्रोटेक्शनिज्म, मतलब इसका मतलब ये है कि अपनी अपने देश की इंडस्ट्रीज को बचाना। कैसे बचाएंगे, इंपोर्ट होता है ना, भयंकर टैक्सेस लगा दो। अगर आप बहुत ज्यादा टैक्सेस रेस कर दे रहे हैं तो इंपोर्ट में प्रॉब्लम होगी होगी भैया, दूसरी कंट्री क्यों आपको बेचेगा जब आपके घर में इतने ज्यादा टैक्सेस हैं। तो ये वहां पे प्रस्ताव पारित हुआ, मतलब सुझाव हुआ कि ऐसा है, प्रोटेक्शनिज्म कर दो, इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म। इस पे काफी इशू भी होते हैं WTO में एंड ऑल, ठीक है, वर्ल्ड में इस पे इशूज भी हैं, ठीक है। ट्रेड वॉर ही इसकी वजह से छिड़ जाती है और अल्टीमेट ये वॉर में ही तब्दील होता है, ठीक है, फुल फ्लेज्ड वॉर। तो ये चीज उन्होंने अख्तियार की, और इसके खिलाफ, क्योंकि सोशल रिफॉर्मर थे वो, हमेशा से अपने आप को सोशल रिफॉर्मर मानते थे, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई विंस्टन चर्चिल ने, और बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है, इसके खिलाफ इसको रोकना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने अच्छी चीजें तो की उस समय रहते रहते पार्लियामेंट में रहते रहते, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब क्या होता है कि चर्चिल की जो विचारधारा थी वो अपनी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के बिल्कुल अगेंस्ट थी, और उनको पता भी चल गया था कि ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर को बनाएंगे, इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म भी ये इंप्लीमेंट करेंगे, हर चीज करेंगे, बेहतर यही है कि मैं पार्टी को छोड़ दूं, इज्जत यहां पे होनी नहीं है, क्योंकि पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। तो उन्होंने स्विच कर लिया, लिबरल पार्टी को ज्वाइन कर ली 1904 में। नाम ही से पता चल रहा है लिबरल, हर चीज जो कंजर्वेटिव पार्टी लेके आती थी उस जो कंजर्वेटिव पार्टी लेके आती थी उसकी बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी, बिल्कुल अलग विचारधारा लिबरल पार्टी रखती थी। तो विंस्टन चर्चिल को बोला जाता था लिबरल एमंग कंजर्वेटिव्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब पॉलिटिकल करियर हम फर्दर देखते हैं उनका। फाइनली क्या हुआ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगेन वो चुने गए स्विच करने के बाद भी, क्योंकि उस समय सत्ता में तो कंजर्वेटिव पार्टी थी, जब स्विच किया उसके बावजूद वो 1908 में अगेन चुने गए वो, और यहां पे उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिलता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उस समय। और ये वही बोर्ड ऑफ ट्रेड है जो हर चीज देखता था, ट्रेडिंग में और इनफैक्ट वाटरवेज में भी देखता था कि कितना व्यापार हो रहा है पानी के जरिए, और टैक्सेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने काफी रिफॉर्म्स किए, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट को घटाया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाया, उसके बाद थोड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए, प्रिजंस रिफॉर्म लाए, मिनिमम वेजेस। देखिए उस समय क्या होता था ना, वर्कर्स की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी, 8 घंटे आपको काम करना है, ठीक है, और उसके लिए आपको वेजेस भी दिए जाएंगे, ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो ये कुछ रिफॉर्म्स लेके आए थे जो कि काफी हेल्प किए। भैया लेबर्स की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी, स्पेशली चाइल्ड लेबर। आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या होता, मतलब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो बच्चों का बड़ा यूज था, उन्हीं से काम करवाया जाता था, क्यों, मशीनें बहुत बड़ी बड़ी होती थी, साथ साथ 8-8 साल के बच्चे जो होते थे, अब मशीनें खराब हो गई, बड़ों का हाथ तो जाएगा नहीं उसमें, यही साथ साथ 8-8 साल के बच्चों का हाथ आसानी से चला जाता था, छोटे होते थे, इनसे बड़ा काम करवाया जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था,
खाना बहुत ही बेकार दिया जाता था, जरा सा अपोज करते थे उनको बड़ा पीटा जाता था, ठीक है। तो भयंकर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। आपको मैं बताता हूं कि ब्रिटिश ने जितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन भारत का किया है उतना ही अपने देश का भी किया है, ये भी आप जान के चलिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, अब ये सारी चीजें थी। तो अब क्या होता था कि भैया प्राइम मिनिस्टर है बोर्ड ऑफ ट्रेड के, तो किस तरह से वो बजट से दूर रहे। पीपल का जो बजट आता था, लोग बजट आता था, आम बजट आता था, उसमें भी काफी असिस्ट करते थे उसको पास करवाने के लिए, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाते थे, ठीक है। तो ये सारी उन्होंने चीजें की 1909 तक। लेकिन 1910 में कुछ होता है, जो बजट पास होता है 1909 में, इसमें काफी सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, वो इनिशियली डिफीट हो जाता है, हालांकि बाद में पास हो जाता है, ठीक है, 1910 में। तो ये एक ड्रॉबैक होता है उनके लिए, क्योंकि तब उनको एहसास होता है कि मुझे, मेरी इस सारी जो इनिशिएशंस हैं उसमें हर कोई खुश नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सतर्क हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो भैया इनका काम था, इन्होंने नेवी को मॉडर्नाइज किया। कब किया? जब ये पहले एडमिरल, लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी 1911 में बने, तब चर्चिल ने बहुत ही जबरदस्त काम किया। देखिए, नेवी तो ऑलरेडी बहुत ही जबरदस्त थी ब्रिटिशर की, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, सबसे बड़ी इनकी नेवी थी और सबसे पावरफुल इनकी नेवी थी। लेकिन उस समय इन्होंने न्यू वॉरशिप्स लेके आए, ये और नए वॉरशिप्स लेके आए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय जो वॉरशिप्स थे, जितने भी जो नेवी में यूज होते थे, वो क्या होते थे, कोयले से चलाए जाते थे, है ना, कोयला यूज होता था जिसमें काफी रिसोर्सेज जाते थे। उन्होंने ऑयल फायर, तेल से चलाने, मतलब तेल से वॉरशिप चलाए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त इन्वेंशन थी और एक अपग्रेड था उनकी नेवी के बीच में। उसके बाद यहां से उन्होंने मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी, भैया देखा है ना, मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो सीधा का सीधा नेवी से उड़ता है, ठीक है, नेवी से कह रहा हूं कि पानी से उड़ता है, और बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, हालांकि अब तो उसको बहुत ही एक्सपैंड कर दिया गया है कि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो होते हैं समुद्रों में तैनात किए जाते हैं, वहां से एयरक्राफ्ट उड़ाए जाते हैं। लेकिन जो सी प्लेन्स होती हैं, डंकर के देखिए अभी तक कि नहीं, जरूर देखिए, उसमें बहुत ही जबरदस्त नमूना दिखाया है कि किस तरह से सी प्लेन जो होता है, पूरी तरीके से एक ही सी प्लेन होता है बट भारी पड़ जाता है जर्मनी पे, आप देखिएगा जरूर वो मूवी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो वहां पे जब ये पूरा का पूरा मॉडर्नाइज कर रहे होते हैं नेवी को, तो इनको प्लेन चलाने का भी बहुत बड़ा सवार होता है, तो ये वहां पे प्लेन चलाना भी सीखते हैं, ठीक है। और उस समय ये काफी प्रमोट भी करते हैं कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट से ही जंग जीती जाएगी और इनका जितना ज्यादा हो सके हमको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब हम आते हैं सीधे वर्ल्ड वॉर वन पे। इनका पूरा का पूरा रिफॉर्म चलता रहता है 1913 तक, लेकिन 1914 में वर्ल्ड वॉर फाइनली शुरू हो जाता है। वर्ल्ड वॉर भैया, आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया, ये सबसे इमीडिएट कॉज था, आपको पता ही है। वर्ल्ड वॉर वन का वीडियो बहुत ही जबरदस्त, जो वीडियो है वो ऑलरेडी स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। इमीडिएट कॉज था ये आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का जो मर्डर था, ऑस्ट्रिया के थे ये, मार दिया गया था। अब मान लीजिए कि किसी देश का प्रधानमंत्री जा रहा है, उसको मार दिया जाए तो वॉर हो जाएगी ना, एग्जैक्टली यही हुआ। जर्मन्स ने बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी लगाई और फाइनली वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गया। ऑलरेडी ये वॉर का जो बैकग्राउंड था, ये तो ऑलरेडी तैयार हो ही गया था, सभी को पता था कि वॉर होना ही है, सब सिर्फ क्लॉक जो थी वो टिक टिक कर रही थी और एकदम से फिर वो टाइम बॉम्ब फटा, ठीक है। अब चर्चिल को, विंस्टन चर्चिल को काफी इंपॉर्टेंट काम दिए गए, ठीक है, इन्होंने वॉर हेड किए। लेकिन एक इनसे बहुत बड़ी गलती हुई, बैटल ऑफ गैलीपोली, जिसको बैटल ऑफ डार्डनल्स भी कहा जाता है, पूरी तरह से जो था टर्किश से रूट काट दिया गया था, जो कांटेक्ट था ऑटोमन एम्पायर का वो काट दिया गया था। देखिए हुआ क्या था, देखिए ये जो स्ट्रेट था ये एक सी रूट था रशिया की तरफ, रशिया इस सी रूट को, इस स्ट्रेट को, स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो पाथ होता है, मतलब अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं और एक छोटा सा पाथ होता है, ठीक है, जिसको हम स्ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रेट जो था डार्डनल्स का, वो सी रूट था रशिया की तरफ, रशिया एक उस समय एलाइड पावर था। अब उस सी रूट को सिक्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसी के चक्कर में फ्रांस और ब्रिटेन ने हमला कर दिया। लेकिन उसके बाद जो युद्ध हुआ था टर्की में, ऑटोमन एम्पायर जिसको हम बोलते हैं, जो ऑटोमन एम्पायर के सोल्जर्स का साथ दिया था जर्मन एम्पायर ने, तो इन दोनों के बीच, जर्मन ऑटोमन वर्सेज ब्रिटेन और फ्रांस,
जो युद्ध हुआ था, जो लोगों की जाने गई थी, वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थी। चर्चिल इसके सीधे के सीधे आरोपी थे और उनको फाइनली रिजाइन देना पड़ा। चर्चिल सीधे के सीधे आरोप था कि आपकी वजह से हुआ है ये। जो रेजिग्नेशन था, अपनी पोस्ट से और गवर्नमेंट से हटा दिया गया। देखिए, जो ब्लू वाटर स्टेट था ना, वही बैटल ऑफ डार्डेनल्स जहां पे हुई थी ना गैलीपोली, वो पूरा का पूरा लाल हो गया था खून से। सबसे बड़ा डिजास्टर था ये वर्ल्ड वॉर वन का। और इस डिजास्टर के बाद जब पूरी तरह किरकिरी हुई विंस्टन चर्चिल की और बहुत इनको एकदम लताड़ दिया गया इनकी सरकार द्वारा, डिप्रेशन में चले गए थे ये। काफी टाइम तक डिप्रेशन में रहे थे। हालांकि उसके बाद, क्योंकि एक बहुत ही एफिशिएंट जनरल थे ये, तो इनसे जो सोल्जर्स थे वो बड़ा प्यार करते थे। तो इसकी वजह से इनको वापस फिर से लाया गया था, रिस्टोर किया गया था। लेकिन कुछ टाइम तक ये पूरा डिप्रेशन में रहे थे। और हालांकि 1917 में ये मतलब म्यूनिशंस के मिनिस्टर ये बनाए गए थे। म्यूनिशंस मतलब क्या? टैंक्स, एयरप्लेन्स, एम्यूनिशंस, इन सबको सप्लाई करना, जो वॉर के सामान होते हैं इनको सप्लाई करना। तो इन सारी चीजों को देख रहे थे, तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि इन केस मतलब अगर आपको नहीं मालूम, तो वर्ल्ड वॉर वन में जो साइड्स लड़ रही थी वो कौन सी थी? वो दो थी। सबसे पहले तो थी एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स में तो खैर पूरी पूरा वर्ल्ड ही आ गया था एक तरह से, जिसमें यूएसए, ब्रिटिश, फ्रांस, सर्बिया, बेल्जियम, जापान, रोमानिया, पोर्तुगल, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो तो पूरा का पूरा दुनिया ही एक तरह से साथ में आ गई थी। भैया भारत भी था साथ में। ब्रिटिश ने बोला था गांधी जी को, वर्ल्ड वॉर वन में हमारा साथ दीजिए, आपको आजादी दे देंगे। 1919 में वॉर खत्म होता है, गांधी जी जाते हैं, भैया आजादी किधर है? ब्रिटिश बोलते हैं, कौन सी आजादी, कैसी आजादी, मैंने किसी आजादी का नाम नहीं सुना। गांधी जी का दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। सेंट्रल पावर्स इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल पावर्स में जो जो थे, जर्मनी ऑफ कोर्स जर्मनी था, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था, उसके बाद ऑटोमान एम्पायर था जिसको टर्की भी कहते हैं, बल्गेरिया। ठीक है, तो ये बेसिकली मेन थे एलाइड और सेंट्रल पावर्स में ये जंग थी। फिर फाइनली 1919 में वॉर खत्म होती है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन होती है। वैसे तो बहुत सारी ट्रीटीज साइन हुई थी, ठीक है, पीस ट्रीटीज। अब रेपरेशंस ऑफ वॉर भरने पड़ते हैं जर्मनी को, वो एक अलग मुद्दा है, उसको हम देखेंगे अगले पार्ट में कि उसके बाद विंस्टन चर्चिल ने क्या किया। 1922 में, मतलब 1919 से 1922 में फाइनली फिर से चर्चिल एक मिनिस्टर ऑफ वॉर रहे, और जो प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज थे उनके कर्नल सेक्रेटरी थे। ठीक है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद, ये वर्ल्ड वॉर इंसिडेंट जो हुआ, इसमें इनकी छवि बड़ी खराब हुई। एक तो बैटल ऑफ डार्डेनल्स, इनकी पूरी की पूरी, इनको बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म हुआ इनका, कि मतलब आता नहीं है कैसे वॉर किया जाता है, इतने लोगों की जान गंवा दी, जो चीजें बहुत ही आराम से सॉल्व हो सकती थी उनको और कॉम्प्लिकेट कर दिया। ठीक है, तो ये चीजों की वजह से इनको बहुत धक्का पहुंचा, और उसके बाद और भी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इनको प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो अभी सारी चीजें थी। अब यहां पे लिबरल पार्टी में जो इनका पूरा का पूरा कार्यभार था वो फाइनली खत्म हुआ, क्योंकि चर्चिल हार गए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 1922 में। जैसा कि मैंने बताया, क्रिटिसिजम्स हुआ, वर्ल्ड वॉर वन में भी काफी गलतियां हुई जिसकी वजह से ये हारे। फिर दोबारा इन्होंने वापस लौट के बुद्धू घर को आए, कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन की। तो ये सारी चीजें थी। इसके बाद की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे, और देखेंगे भैया भारत के खिलाफ इनके प्यारे प्यारे वर्ड्स है ना, ये भी जानेंगे। विंस्टन चर्चिल, बिल्कुल भी इनसे सहानुभूति मत रखिएगा। जिस तरह से इनका चेहरा है गुस्से वाला, थे भी बिल्कुल ऐसे ही, एकदम क्रूअल इंसान थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ये पार्ट वन का मेरा एंड है, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पार्ट टू बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।